हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं खीरे का रायता। तो खीरे के रायते के लिए हमने दो खीरा लिया है, ये नमक, लाल मिर्च, जीरा मिर्च, लाल मिर्च, और ये हमने हींग लिया है, और ये हमने मट्ठा लिया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको आगे से काट लेते हैं। इससे इसका कड़वापन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। इसको ऐसे ऐसे छील लेना है। अब हमें खीरे को, इन दोनों खीरे को धो लेना है। तो गाइस देख सकते हैं कि अब हमने दोनों खीरे ले लिए हैं, इनको धो लिया है। अब इनको कद्दूकस से कस लेना है। ये हमारा खीरा बिल्कुल कद्दूकस से कस हो गया। अब हमें आगे क्या करना है। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमने थोड़ा सा एक चमचा लिया, एक चमचे में थोड़ा सा ऑयल को गर्म करते हैं। जब तक ले पूरा अच्छे से हो नहीं जाता है तब तक ले हमें इसे गर्म करना है। अभी इसमें हुआ नहीं, इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा जीरा डाल के देख सकते हैं। हाँ, हमारा हमने थोड़ा सा जीरा डाला। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारा जीरा गरम हो चुका है, तो इसमें हमें लाल मिर्च डाल दें, लाल मिर्च डाल देने हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। गाइस देख सकते हैं अब हमने थोड़ा सा मट्ठा लिया है और इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें क्या क्या डालते हैं देख सकते हैं आप। ये हम सारे खीरे को इसमें डाल देंगे। हम इसको ऐसे करके मिला लेंगे।
हेलो गाइस देख सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ भी डालेंगे। हेलो गाइस देख सकते हैं अब हमारा अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। इसके बाद हमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालनी है। हेलो गाइस देख सकते हैं कि मेरा खीरे का रायता आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुका है। मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो आप देख सकते हैं, इसमें चम्मच पड़ा हुआ है तो देख सकते हैं। हेलो गाइस देख सकते हैं हमने बनाया है खीरे का रायता, तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैंने इसको पूरे वीडियो में आपको बताया है, ये देख सकते हैं खीरे का रायता।